आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा पर बनने वाला महाप्रसाद ठेकुआ छठी माई को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसे महाप्रसाद भी कहते हैं और यह सूर्य भगवान का प्रतीक मानकर सब लोगों में बांटा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है और वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। छठ पूजा के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ ठेकुआ। आपने पहले भी बनाया होगा, मैं पहले इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ, ये एकदम अलग तरीके के। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। यह ठेकुआ जब मैं बनाऊंगी, ये आप 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होंगे। मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। मैंने ये 2 कप गेहूं के आटे में अब मैं डाल रही हूँ ये नारियल। ये वही नारियल है जो सूखा वाला नारियल होता है ना, बस वही लिया है। उसको मैंने मिक्सी के जार में चला लिया था, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मैंने ये लिया है शुगर पाउडर, जिसको मैंने इलायची के साथ पीस लिया था। अब आप सोच रहे हैं मैंने इसमें मोमन तो डाला नहीं, यही तो मेरा सीक्रेट है। आप देखते जाइए, मैं इसमें मोमन का यूज़ नहीं करूँगी। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करिए, नहीं तो ये बिखर जाएंगी फ्राई करते समय। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको हम गुड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बनते भी गुड़ में। कुछ लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, मैं इसमें सौंफ नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे सौंफ वाला नहीं खाते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मेरी सीक्रेट रेसिपी है इसमें, ये मैंने लिया है 1/2 कप मलाई के साथ दूध। देखिए ये फ्रेश मलाई है, और लेकिन बहुत मोटी जमी थी तो मैं इसका प्रयोग करूंगी इसको डो लगाने में। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आप देख सकते हैं मलाई कितनी मोटी है इसमें, ये देखिए। और एकदम टाइट डो लगाना है, एक साथ सारा नहीं डालना, और धीरे धीरे करके। जब हमारा थोड़ा सा डो बन जाएगा तभी हम बाकी की मलाई डालेंगे इसमें। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसमें घी का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि मलाई में भी घी होता ही है। और इस बार आप मलाई डाल के अगर ये ठेकुआ बनाएंगे ना, आप भी खाते रह जाएंगे। फिर से हम थोड़ी सी मलाई और ले लेते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं। एकदम टाइट डो लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर जरा भी जल्दबाजी कर दी तो ये हमारे बिखरने लगेंगे और घी सारा खराब हो जाएगा। देखिए बातों ही बातों में डो हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने 1/2 कप मलाई ली थी और उसी में मैंने आराम से इस डो को लगा दिया है। डो जितना टाइट होगा आपके ठेकुए उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, तब भी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मलाई बच गई है। इसको हम रख देते हैं और इसको एकदम से चिकना कर लेते हैं। हमें हाथों से ही इसको अच्छे से मसल मसल के करना है। ये देखिए, मैंने इसमें घी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, मलाई इसमें डाली है। आप चाहें तो आप इसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही चीज़ डालिए। अगर मलाई डाल रहे हैं तो घी का प्रयोग नहीं करिए, घी का प्रयोग कर रहे हैं तो मलाई नहीं डालिए। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आपने पहले भी कई बार ठेकुए खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये देखिए डो हमारा बन गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ पहले तोड़ के रख लेते हैं, फिर हम इसको शेप देंगे। जितने बड़े आपको बनाने हैं उसी हिसाब से मैं सारी लोइयाँ पहले तोड़ लेती हूँ।
क्योंकि आटा हमने एकदम टाइट लगाया है तो एकदम से ये चिकना नहीं होगा। ये थोड़ा सा फटा फटा रहता है, ये इसकी पहचान है। ये देखिए सारी लोइयां बना लेते हैं। अब हमको एक लोई उठानी है और इस तरह से गोल गोल करके थोड़ा सा प्रेस करना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में जाके ये और ज़्यादा फूल जाता है इसलिए। और हम इसकी एक शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए यह मैंने ली है जूस निकालने वाली मशीन। इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, तो ये मैं इसका प्रयोग करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, और इसको अच्छे से ज़ोर से प्रेस कर दीजिए तो इसके ऊपर आ जाएगी ये वाली डिज़ाइन। ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी डिज़ाइन भी आपको दिखा देती हूँ। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले लोई को थोड़ा सा लंबा शेप करना है इस तरीके से, और इस तरीके से ये चोंच बनाते जाना है। ये देखिए, इसको हाथ से प्रेस करते जाइए और बस ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। अगर ये फटता है कोई बात नहीं, बस आगे से इस तरीके से करती जाइए। ये देखिए, ये लीफ शेप आ रही है, इसको लंबा करते जाइए और यहाँ से गोल शेप देते जाइए। ये हाथों से बन जाएगा, इसमें किसी साँचे की जरूरत नहीं है, हाथ से आराम से ये बनता जाएगा। बस ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो। अगर आपको लग रहा है बहुत मोटा है तो हथेली की सहायता से इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए। देखिए, मैंने लीफ में डिजाइन देने के लिए ये स्टिक ली है। अब इसको हमें इस तरीके से रख दूंगी। अगर आपके पास स्टिक नहीं है कोई बात नहीं, आप टूथपिक ले सकते हैं और इस तरीके से लीफ की डिजाइन दे दूंगी मैं। ये देखिए, इस तरह आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, बहुत आराम से बन जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन उभर कर इसमें आ गई। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। ये हो गए हमारी गोल वाली डिजाइन और ये हो गई हमारी लीफ वाली डिजाइन। ये हमारे लीफ वाले हैं। बीच में अभी लाइट चली गई थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने दोबारा ये शूट किया। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है। ये घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये घी के ही बने हुए बहुत पसंद आते हैं। घी बहुत ज़्यादा हाई नहीं गर्म होना चाहिए, लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। पहले हम इसको डालकर देख लेते हैं। देखिए, फ्लेम मेरी एकदम लो मीडियम पर है, आप देख सकते हैं। मैंने अभी एक डाला है, पहले एक फ्राई करके देख लेते हैं कहीं ये बिगड़ तो नहीं रहे। जब तक ये दूसरी एक तरफ से ब्राउन नहीं हो गया तब तक टच नहीं करेंगे और हल्के आंच से इसी तरह पलट देंगे। ये देखिए, अब हम बाकी के भी इसमें डाल देते हैं। देखिए, एक बार में जितने आ जाएंगे हम उतने डालेंगे, एक साथ बहुत सारे नहीं डालेंगे। इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आराम आराम से सेकिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। देखिए एकदम ब्राउन ये हो चुके हैं। ये देखिए, मेरे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, मेरा घी भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मैंने इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की है। इनको निकाल लेते हैं। अब हम अपना दूसरा पैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बनते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इनको निकालना है, नहीं तो ये इस समय थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो टूट सकते हैं। ये हमारे हो गए गोल वाले। अब मैं आपको दिखाती हूँ लीफ वाले, और ये आ गए हमारे लीफ वाले। इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। ये देखिए किस तरीके से इसमें क्रैक पड़ गए हैं और डिजाइन भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी उभर कर इसकी डिजाइन आई है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक देखिए, एकदम क्रिस्पी बने हैं, अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया। इस बार छठ पूजा पे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा, एकदम नया
और अनोखा। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन भी कितनी खूबसूरत और उभर कर आई है। दोनों में से आपको कौन सी वाली डिजाइन ज्यादा पसंद आई कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।